हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक और वेलकम है एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल है हर एक नीट एस्पिरेंट के लिए कि आप MBBS क्यों करना चाहते हो। सभी लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप MBBS क्यों करना चाहते हो। अब आप इन सर ये सवाल क्या हुआ, दोस्तों इसी सवाल में छिपा है आपके सिलेक्शन होने का राज। अगर आपको ये पता चल जाए कि आप क्यों MBBS करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर बनने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। एक सिंपल सा आप आंसर देंगे कि सर मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये मेरा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। और बहुत से बच्चों से मुझे नेम फ्रेम मनी चाहिए, इसलिए मैंने नीट की तैयारी की और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। अब ये आपके आंसर्स होंगे और ये आपके आंसर न सिर्फ आपके हैं, मेरे भी यही था कि मेरा ड्रीम था, मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था और मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि मैं अपने सपनों को साकार कर पाऊँ। सपने क्या हैं भाई? हर एक बच्चा चाहता है कि उसके पास एक महंगी गाड़ी हो, बड़ा सा घर हो और वो एक रॉयल लाइफ जिए। और इन तीनों को अगर आपको जीना है तो इकलौता ऐसा कोर्स है इस भारतवर्ष में जिसको हम बोलते हैं MBBS। इसमें आपको नेम मिलता है, फ्रेम मिलता है, मनी मिलती है। इसके अलावा न सिर्फ आपको मिलती है, आपके फैमिली को एक बहुत डिफरेंट लेवल का रिस्पेक्ट मिलता है। आप जहाँ कहीं भी जाते हो, लोग सेल्फ से डॉक्टर साहब आइए बैठिए, डॉक्टर साहब ये, डॉक्टर साहब वो। और इवन आप सभी को पता है कि भारत में डॉक्टर को लोग भगवान से तुलना करते हैं, यानी भगवान वो जो हमको जन्म देता है और डॉक्टर वो जो जन्म लेने के बाद हमको सेफ रखता है जब तक हम मृत रूपी से या नहीं, जब तक हमारी डेथ नहीं होती है। ये एक रियलिटी है और इस रियलिटी को आपको समझना होगा। बिकॉज बहुत से बच्चे मुझसे मैसेज कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम पास आ गया है, मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, COVID-19 चक्कर में प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं निराश हो रहा हूँ। यानी 500 ऐसे वो हमको थॉट्स बताते हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आप थॉट्स दे रहे हैं ना, इसको कभी समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, कभी नहीं करेगा। देखिए, प्रॉब्लम सभी की लाइफ में होती है। दुनिया में ऐसा कोई लड़का नहीं है, ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उन प्रॉब्लम्स से जो लड़ते हैं वही इतिहास रचते हैं। और वो नलिन खंडेलवाल या जो कुछ जो टॉपर्स आए हैं या जो MBBS कर रहे हैं, उनमें उनकी गिनती होती है। अगर आपको इतिहास बनाना है तो आपको पसीना बहाना होगा। अब मैं इस गर्मी में, बिकॉज मेरी AC ख़राब है, मैं पसीने के भाग के आपके वीडियो बना रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप के अंदर वो आग लगे कि आप तब तक प्यार से न बैठो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर आग लेने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई नेगेटिव कदम उठाओ। ये सिर्फ ये है कि अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है, आप अपने पेरेंट्स को वो गिफ्ट देना चाहते हो जो वो चाहते हैं कि वो किसी डॉक्टर के फादर या मदर बने, तो उसके लिए आपको जागना पड़ेगा। मैं रात जागने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करूँ दिमाग से जागने की, दिल से जागने की। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेनी पड़ेगी। और जिस दिन आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख गए, आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति जग गई, उस दिन डॉक्टर बनने से इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता है। बेशक समय कम बचा है और इस समय में आप बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना समय जरूर बचा है कि आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो। कोई व्यक्ति जो है पूर्ण नहीं होता कि भाई वो 50 दिन में जग जीत लेगा, लेकिन हम क्यों हार माने, कोशिश तो करें यार। लास्ट के 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज या मैं 1 ईयर की बात करता हूँ, अगर आपने डॉक्टर बनने की ठानी है तो आप कम से कम प्रयास तो करो यार, गिव योर बेस्ट। अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यार, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि बिहार में एक मांझी करके हैं और उन्होंने पत्थर काट दिया था, मतलब पूरा पहाड़ था उसको काट के वहाँ रास्ता बना दिया। किससे? एक छोटी सी छीनी और एक हैमर हथौड़ी से। उनके पास कोई GCB नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी, ना उन्होंने कोई ब्लास्ट किया। बस डिटर्मिनेशन था कि उनकी वाइफ की डेथ हुई थी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई हॉस्पिटल रास्ता नहीं था, पहाड़ से जाना था, वहाँ से वो गए थे और रास्ते में उनको डिलीवर हुआ और वहीं पर ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। बस यही पॉइंट था, काफ़ी था उसको इतिहास बनाने को लेकर। और उसने पसीना बहाया, समय लगा, लेकिन उसने उस पत्थर को काट कर एक रास्ता बनाया और आज इतिहास में उसका नाम है, हर व्यक्ति उनको जानता है। यही सेम सिचुएशन अब आपके पास है। अब आपके पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। आप हर एक चीज़ पा सकते हो जो आप चाहते हो, सिर्फ करना यही है कि आप सीरियस हो जाइए, अवेयर रहिए
और फोकस के साथ में अपने नीट एग्जाम की तैयारी करिए। आप कोचिंग नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप जो है आपके पास 20 प्रकार की बुक्स नहीं है, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी तो है ना यार, फिंगर टिप्स तो है ना आपके पास। अभी तो ऑनलाइन जो है गवर्नमेंट ने नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप दिया, बेशक क्वेश्चन टफ है लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप तब चीज़ों को सॉल्व करते हो तो इजी क्वेश्चंस आपसे सेल्फ लग जाते हैं, और जब सेल्फ लग जाएंगे तभी आप डॉक्टर बनोगे। डॉक्टर बनना कोई खेल नहीं है कि कोई भी आया, कोई भी एमबीबीएस पे चला गया। अगर एमबीबीएस करना है तो पसीना निकलना पड़ेगा यार, रातों की नींद खोनी पड़ेगी, टफ चीज़ों से फाइट करना पड़ेगा। और जिस दिन आप टफ चीज़ों से फाइट करना सीख गए, लोगों को इग्नोर करना सीख गए, जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, उसी दिन आप बेस्ट कैंडिडेट होंगे नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज से इस वीडियो को देखने के बाद सेल्फ से पूछे कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, और जिस दिन आपने इसका आंसर आपके दिल से आया कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, क्यों एमबीबीएस करें, उस दिन आपको कोई मोटिवेशन जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी कोचिंग जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो कुछ भी बुक है, एनसीईआरटी की, डीसी पांडे की, एचसी वर्मा की, जो कोई भी बुक है, आप उसी बुक से इतिहास लिखोगे और आप फ्यूचर के डॉक्टर्स बनोगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अपने विचार हमें जरूर दें यार, क्योंकि जितने अच्छे विचार आप हमको देंगे, किस टॉपिक की वीडियोस चाहते हैं वो देंगे, तभी हम आपके लिए बेस्ट वीडियोस प्रोवाइड करा पाएंगे, जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में। दोस्तों बहुत से बच्चे चाहते हैं कि सर मैं पढ़ा क्यों नहीं रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों इस समय ड्यूटी और पेशेंट्स का एक तालमेल ऐसा हो चुका है कि टाइम नहीं मिलता कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ, इसलिए सॉरी चाहता हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगा और आपको हर वो रास्ता बताऊंगा जिसके आप सिलेक्शन दे सकते हैं। तो आज मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।